तो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर टुडे, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, जैसे आपको पता है, CHO ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। ओके, कीटोन्स क्या होते हैं? CO ग्रुप को क्या बोलते हैं? कीटोन्स। एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या ग्रुप होता है? COOH। और ये रहे इनके एक्सपेंडेड फॉर्म, इनमें बॉन्डिंग ये दिखाई हुई है कि कैसे होती है बॉन्डिंग। इन सभी को कलेक्टिवली कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी कंसिडर किया जाता है। एक्चुअल में कार्बोनिल कंपाउंड्स किनको बोलते हैं? जिनमें ये वाला ऐसे वाला स्पीसीज आती है इन दी फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज दी कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, और थोड़ा बहुत मैं प्रायोरिटी ऑर्डर वगैरह डिस्कस कर लूँ। नॉर्मल क्लेचर वाला मतलब बेसिक ये प्लस वन वाला ही है। ठीक, जैसे आपको पता है फंक्शन ग्रुप में भी प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, प्लस वन में जो नॉर्मल क्लेचर किया उसमें पड़ा है। अगर इन तीनों का आपस में प्रायोरिटी ऑर्डर देखें तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाती है? कार्बोक्सिलिक एसिड को। सेकंड प्रायोरिटी जाती है एल्डिहाइड्स को। थर्ड प्रायोरिटी जाती है कीटोन्स को। बेसिकली प्रायोरिटी ऑर्डर में रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। अगर आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन है तो उनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसी बेसिस पे फंक्शनल ग्रुप्स को जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर दिया होता है। क्लियर। आगे नेमिंग, जैसे कीटोन्स की नेमिंग करने के दो तरीके हो सकते हैं, इसलिए मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक तरीका है जैसे हम इथर्स की करते हैं। इथर्स की कैसे करते हैं? लेफ्ट वाले अल्काइल ग्रुप का नेम लिख देते हैं, राइट वाले अल्काइल ग्रुप का नेम लिख देते हैं और एंड में लगा देते हैं इथर, क्योंकि ये बायोफंक्शनल ग्रुप है, दोनों साइड से जुड़ा होता है। कीटोन्स की भी नेमिंग ऐसे ही हो सकती है। इसके लेफ्ट में क्या जुड़ा है? मिथाइल ग्रुप। राइट, सॉरी उल्टा बोलते हैं, राइट में क्या जुड़ा है? मिथाइल ग्रुप। लेफ्ट में क्या जुड़ा है? फिनाइल ग्रुप। तो इसका नेम क्या बन सकता है? मिथाइल फिनाइल कीटोन। ओके, और अगर IUPAC के अकॉर्डिंग करना है तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर ये वाला ग्रुप लगा हो, इसको बोलते हैं एसिटो ग्रुप। ठीक है, तो इसको क्या कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन। ओके, तो ऐसे भी नेमिंग कर सकते हो, ऐसे भी नेमिंग कर सकते हो, योर चॉइस। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करें अगर कीटोन की, तो इसमें लेफ्ट पे मिथाइल, यहाँ राइट पे भी मिथाइल, दोनों मिथाइल ही हैं, तो इसको कैसे नेम कर सकते हैं? डायमिथाइल कीटोन। और इसके लिए एक कॉमन नेम है, कई बार कीटोन्स के कॉमन नेम भी होते हैं। जैसे इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, गर्ल्स को पता होगा, उसमें एसीटोन होता है। ओके, उसके बाद इसका IUPAC नेम, अगर एग्जैक्ट IUPAC रूल लगा के करना है तो नेमिंग क्या बनेगी? 1, 2, 3। तीन कार्बन है मेन चेन में, प्रॉप एन, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है दोनों, जो दो आए हैं। टू ऑन, टू ऑन क्यों लगा? क्योंकि टू पे ये वाला ग्रुप लगा है विच इज कीटोन ग्रुप। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज दी प्रोपेन टू ओन। नेक्स्ट एल्डिहाइड, आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप को लिखते CHO है, पर एक्चुअल में उसकी बॉन्डिंग सी डबल बॉन्ड OH ऐसे होती है बॉन्डिंग। ओके, क्लियर। तो इसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। एल्डिहाइड्स जो हैं, ये रहा एल्डिहाइड्स का फॉर्मूला। जैसे एल्डिहाइड्स में नेमिंग कैसे होनी है? जैसे इसका नेम क्या होगा? 1, 2, 3। ये मेन चेन हो गई, ये साइड चेन होगी। साइड चेन कौन सी है? मिथाइल वाली। टू पे क्या लगा है? मिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है? 1, 2, 3। प्रॉप एन, और इसके लिए एंडिंग किससे होती है? अल। ओके, और इसका एक कॉमन सा नेम भी है कह सकते हो आप, दैट इज आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड। ओके, क्लियर। ये कॉमन नेम का तो कोई लॉजिक नहीं है, मेन इसी का ही समझो उसको। तो वैसे आप समझ सकते हो आइसोब्यूटाइल बोला इन्होंने तो क्यों, मतलब चार कार्बन है, टोटल चार कार्बन है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसको थोड़ा सा लॉजिक से बना के समझ सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट आपके पास है ये वाला, इसमें तो एक ही मेन चेन है, 1, 2, 3, और ये ग्रुप लगा हुआ है। तीन कार्बन है तो प्रॉप, सभी में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है तो एन, और CHO ग्रुप लगा है इसलिए एंडिंग AL से। ओके, और कॉमन टर्मिनोलॉजी में इसको कैसे नेम किया जाता है? प्रोपियोन एल्डिहाइड। ओके, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक, ये थोड़ा कॉमन टर्मिनोलॉजी भी आपको पता होना चाहिए, ताकि जो आप पेपर में नाम देख के घबरा ना जाओ अगर उन्होंने कॉमन टर्मिनोलॉजी में लिखा है। बट मोस्टली वो IUPAC में लिखते हैं, बट कभी कभार कॉमन टर्मिनोलॉजी वाला नेम ज्यादा चलता है। जैसे इसके लिए ज्यादा नेम एसीटोन चलेगा, प्रोपेन टू ऑन बहुत कम लगेगा, तो उस टाइम
यू नीड टू मैनेज, ओके। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, कुछ थोड़े बहुत कॉमन नेम याद कर लेने हैं आपको। नेक्स्ट आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पता है दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसकी बॉन्डिंग में जाए तो दिस, इसमें भी ये कार्बोनिल कंपोनेंट है, इसको कार्बोनिल कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे ये वाला सबसे सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें एक ही कार्बन है, तो इसको मेथेनोइक एसिड बोलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एंडिंग होती है वो ओइक एसिड से होती है। जिस कंपाउंड में ये वाला ग्रुप आ जाएगा उसकी एंडिंग जो है वो ओइक एसिड से होगी। इसका वैसे कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक एसिड। इसको मेथेनोइक एसिड कम, फॉर्मिक एसिड ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा मशहूर ये वाला नेम है इसका, ज़्यादा पॉपुलर है, ओके। सिमिलरली इट इज एथेनोइक एसिड, क्योंकि 1, 2 दो कार्बन आ रहे हैं। और इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड। जैसे इसमें मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर को दिखाया है कि जैसे हमने पढ़ा ना प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, बेंजीन के ऊपर सी ओ ओ एच लगा है और ओ एच लगा है, दो तरह के फंक्शन ग्रुप लगे हैं। सी ओ ओ एच की प्रायोरिटी इससे ज़्यादा होती है, तो इसमें 1 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा। जब 2 इसको मिलेगा तो ये जो है ये एज अ सब्सिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा। तो इसका पूरे का नेम क्या होगा? जब बेंजीन के ऊपर सी ओ ओ एच लगा होता है इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, क्लियर। और इसमें 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, इसको जब एज अ सब्सिट्यूएंट नेम करते हैं तो उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, तो इसका नेम क्या बना? 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड, क्योंकि 2 पोजीशन को ऑर्थो से भी डेजिग्नेट कर दिया जाता है। इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो है ना, ओके। तो ये थोड़ा बहुत मैंने नेमिंग डिस्कस किया सो दैट आपको थोड़ा सा नेमिंग का आइडिया हो जाए, क्लियर। चलो नेक्स्ट आता है कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे बिहेव करेगा उसको डिसाइड करता है, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी। हमने देखा दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द कार्बोनिल ग्रुप, तो इस ग्रुप को ऐसे लिखा हुआ है, इसमें रेजोनेंस होगी तो क्या होगा? बिकॉज ऑक्सीजन बींग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब भी इस ग्रुप में रेजोनेंस होगी तो वो कैसी होगी? जिसमें ये डबल बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर ये जो कार्बन है जिसके ऊपर रेजोनेंस के दौरान पॉजिटिव चार्ज आता है, बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक साइड है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल को पसंद, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगी यहाँ से, अगर इसने अटैक करवाना हो, अगर यहाँ से अटैक करवाना हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है कार्बोनिल ग्रुप में। मतलब कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन इज अ न्यूक्लियोफिलिक साइट, मतलब अगर किसी पॉजिटिव साइट पॉजिटिव स्पीसीज पे अटैक करवाना है तो इस ऑक्सीजन से होगा, अगर किसी नेगेटिव स्पीसीज पे अटैक करवाना है तो इस कार्बन के थ्रू होगा, क्योंकि रेजोनेंस के दौरान कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ओके। आगे इसका कंपैरिजन किया हुआ, इसमें बॉन्डिंग देखी हुई है, कार्बन ऑक्सीजन का जो है वो साइड वेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना है, ओके। तभी तो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इनमें एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वेज ओवरलैपिंग से, ये साइड वेज ओवरलैपिंग हुई है। कार्बन का 2p हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है ऑक्सीजन के 2p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से साइड वेज ओवरलैपिंग करवा रहा है, और वैसे ये जो कार्बन होगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2, ओके, क्लियर। और जो ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा अब इसकी और इसके ओवरलैपिंग से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा ना, जिस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, वो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा ज्यादा मूव कर जाएंगे और कार्बन के ऊपर थोड़ा कम, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट क्रिएट हो रही है और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक साइट क्रिएट हो रही है, ओके। मेन इसमें समझने वाला पॉइंट यही है कि अगर ये वाला ग्रुप किसी इलेक्ट्रो मतलब किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करवाएगा तो वो यहाँ से करवाएगा, तो अगर न्यूक्लियोफाइल पे अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो यहाँ से करेगा, अगर एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा तो यहाँ से करेगा, ओके। जैसे यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बनता है उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है वो सिमेट्रिकल होता है, वो दोनों में से किसी कार्बन के ऊपर नहीं होता, ठीक है, सिमेट्रिकल सिमेट्री मेंटेन रखता है। वो डिपेंड करता है अगर इस कार्बन के ऊपर आके पॉजिटिव स्पीसीज जुड़ गई तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको मिल जाएगा, अगर इस कार्बन के ऊपर आके पॉजिटिव स्पीसीज जुड़ गई तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, जब हम कहते हैं रेजोनेंस होगी। जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाने आ रहा है तो इसके ऊपर भी
ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। वो इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो हमने देखने होते हैं, ओके, कि क्यों इसके ऊपर मूव करेंगे या इसके ऊपर मूव करेंगे। जैसे मान लो अगर इसके ऊपर मूव कर गए, इस कार्बन के ऊपर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके जुड़ जाएगा। यू विल अल्टीमेटली गेट दिस, ओके, क्लियर। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में पाई क्लाउड सिमेट्रिकल होता है, तो इस पाई क्लाउड के जो इलेक्ट्रॉन है ड्यूरिंग रेजोनेंस, इसके ऊपर भी मूव कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मूव कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। बट कार्बोनिल के केस में जब भी ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव होगा रेजोनेंस के दौरान, ऑक्सीजन के ऊपर ही जाएगा, इस कार्बन के ऊपर आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड ही होता है, ऑक्सीजन के ऊपर ही होता है ज्यादातर, चाहे डबल बॉन्ड में भी हो, चाहे ये बॉन्ड अभी ना भी टूटा हो, तो भी ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादातर ऑक्सीजन के पास ही होता है। कार्बन के पास बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं इस डबल बॉन्ड वाले, इवन उसके अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी इसके पास ही होते हैं, जैसे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे दिखाया हुआ है, वो भी ऑक्सीजन के ऊपर ही है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। सो दैट लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉन्ड, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्कशन कर ली, अब मेन काम पे आते हैं, ओके, दैट इज सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड को एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो हैं इनको पहले डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हम मेथड डिस्कस करने वाले हैं, ये वो वाले मेथड हैं जो एल्डिहाइड्स की प्रेपरेशन और कीटोन्स की प्रेपरेशन दोनों के लिए लग जाते हैं, ओके, क्लियर। जैसे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को अगर बनाना हो, यू कैन फॉर्म देम बाय यूजिंग अल्कोहल्स, ओके, आपको अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवानी पड़ेगी इफ यू वांट टू कन्वर्ट अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, ओके, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करवाओ तो भी एल्डिहाइड एंड कीटोन बन जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाइड्रोकार्बन का यूज करके एल्डिहाइड एंड कीटोन बन जाते हैं, और फ्रॉम जेमिनल डायहैलाइड्स, जेमिनल डायहैलाइड्स का यूज करके भी एल्डिहाइड एंड कीटोन बन जाते हैं। अब ये जेमिनल डायहैलाइड्स कौन से होते हैं, जिसमें एक कार्बन, डायहैलाइड का मतलब तो समझ गए, दो हैलोजन के एटम, हैलोजन क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब दोनों के दोनों एक ही कार्बन के ऊपर लगे हों, उस केस को बोलते हैं कि ये जेमिनल डायहैलाइड है, इसमें एक ही कार्बन के ऊपर दो हैलोजन लगे हों, ओके। तो इन चारों से, ये चार तरीके हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को बनाने के। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए एप्लीकेबल हैं, कुछ मेथड्स हैं जो सिर्फ कीटोन्स के लिए एप्लीकेबल हैं, वो बाद में हमने सेपरेटली पढ़ने हैं। आज जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं दैट आर एप्लीकेबल फॉर एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स, इनके कलेक्टिव प्रेपरेशन मेथड पढ़ने वाले हैं, ओके। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स, और इसके अंडर कई तरह के टाइप्स आएंगे, ठीक है, बट मेजर जो हेडिंग है दैट इज फ्रॉम अल्कोहल्स। फर्स्ट इज फ्रॉम अल्कोहल्स, ओके, ये वाला जो हमने है, ये हमने पढ़ा भी हुआ है, कहाँ पे पढ़ा हुआ है, जिसमें अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था हमने। तो हमने जाना था कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा के एल्डिहाइड्स एंड कीटोन बनाए जा सकते हैं, बट इनकी फर्दर अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाए जा सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन में भी हम इस पे दोबारा आएंगे, जो हमने बाद में पढ़ना है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बोला, ठीक है, उस पे। जैसे फ्रॉम अल्कोहल यू हैव टू यूज माइल्ड रिएजेंट, आपको माइल्ड रिएजेंट यूज करना पड़ेगा अगर आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा के एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि ये कन्वर्जन रुकती नहीं है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है तो वो फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड बना के छोड़ता है उसको, एल्डिहाइड और कीटोन बना के रुकता नहीं है, ओके। या दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लो आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिस्टिल ऑफ एज सून एज फॉर्म्ड, जैसे ही एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा उसको डिस्टिल ऑफ कर दो, मतलब डिस्टिलेशन से रिमूव कर दो, ठीक है। यहाँ पे कैसे यूज करते हैं मैं बताता हूँ अभी। जैसे ऑक्सीडेशन करवाने के भी फ्रॉम अल्कोहल्स में पहला तरीका क्या है, ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम एंड मैंगनीज रिएजेंट, क्रोमियम या मैंगनीज के जो रिएजेंट हैं उनका यूज करो इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज,
कौन कौन से रिएजेंट है वो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, जिसमें OH ग्रुप जो है किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो आगे सिर्फ एक कार्बन से ही जुड़ा है, जैसे ये, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, OH ग्रुप जो है किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो आगे दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, मतलब आगे वो दो कार्बन से जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल जो होंगे दे विल गिव एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी अल्कोहल जो होंगे ऑन ऑक्सीडेशन दे विल गिव कीटोन्स। बट अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लोगे, इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। तो हमने देखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन बन के ही रिएक्शन रुक जाए, इससे आगे ना जाए। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से यूज कर सकते हैं, दैट इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक्वस और अल्कालाइन के MnO4, या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का ऑक्साइड का मिक्सचर यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ओके, जैसे कि हमने पहले जान लिया हुआ है कि एल्डिहाइड्स के लिए आपको प्राइमरी अल्कोहल्स लगेंगे, प्राइमरी अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो वो बनाएंगे एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल्स की अगर ऑक्सीडेशन करवाओगे वो बनाएंगे कीटोन्स। ओके, तो अब देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ये क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब है नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इस ऑक्सीजन को देता है इस अल्कोहल को, तभी तो इसकी ऑक्सीडेशन हो पाएगी। तो इसकी ऑक्सीडेशन जब होगी यू विल गेट क्या होगा, यहाँ से आप इसको ऐसे समझो कि यहाँ से दोनों के दोनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं, या ऐसा बोलो इसका यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, तो क्या बन जाता है आपके पास एल्डिहाइड, ऐसे बन गया ना, RCHO बन गया, यू गॉट एल्डिहाइड। ओके, ठीक, और ये जो ऑक्सीजन है, और यहाँ से जो दो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ये मिलके वाटर बना लेते हैं, याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, फिर जैसे ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई तो ये वाला यहाँ पे क्या बन गया, एल्डिहाइड, वाटर इज एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, मेथेनॉल ये भी 1 डिग्री है, इससे क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, क्लियर। सिमिलरली इथेनॉल, यहाँ से एक एच गया, एक एच यहाँ से गया, क्या बन गया, इथेनॉल। क्लियर, अब प्रॉब्लम क्या है, अगर ये बना, ये बन तो गया, अगर आपने इस सॉल्यूशन से, ये जो सॉल्यूशन है इसमें एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट करवाते कैसे हैं, क्या करते हैं, दो अल्कोहल जिसकी ऑक्सीडेशन करवानी है आपने उसको इसमें डाल देते हैं, साथ में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें मिला देते हैं और रिएक्शन होने के लिए छोड़ देते हैं। एक्चुअल में तो लेबॉरेटरी में रिएक्शन ऐसे होती है, ये थोड़ी ना पकड़ के इसका मॉलिक्यूल पकड़ा और यहाँ से ऑक्सीजन पकड़ा और हाथ से पकड़ के करवा रहे हो, एक्चुअल में तो ऐसे होगा। ठीक, और जैसे ही ये एल्डिहाइड बना, या तो इसको निकाल लो यहाँ से, जैसे ही बनाया वैसे निकाल लो। ठीक, अगर आपने ज्यादा देर इसको इस सॉल्यूशन में छोड़ा तो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, ये वाला सॉल्यूशन, ये जो जो भी एल्डिहाइड बनेगा इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देगा। ओके, तो तभी मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है डिस्टिल डिस्टिल डिस्टिल। डिस्टिलेशन करवानी क्यों है, क्योंकि जैसे ही एल्डिहाइड बना उसको बाहर निकाल दो डिस्टिलेशन के, डिस्टिलेशन में आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस की वजह से हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन हमेशा अल्कोहल से कम होता है, क्योंकि एल्डिहाइड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं, अल्कोहल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। तो होगा क्या, हम जो एल्डिहाइड बना रहे हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पे इस मिक्सचर को रिएक्ट होने के लिए छोड़ेंगे, सो दैट जैसे ही वो वाला एल्डिहाइड बने वैसे ही वो एल्डिहाइड बॉइल होकर बाहर आ जाए। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने समझाया ही हुआ, ये बात लिखी हुई है, एल्डिहाइड्स कैन formed can be readily oxidized to give carboxylic acid if allowed to remain in the reaction mixture. Reaction में होगा क्या, aldehyde जो बनता है वो nascent oxygen से react करके क्या बना लेता है, carboxylic acid. Okay,
so to prevent further oxidation of aldehyde distill off as formed. जैसे ही बनेगा वैसे ही उसको बाहर निकाल दो, distill off कर दो, क्योंकि इनका low boiling point है तो distill off easily हो जाएंगे. क्योंकि इस solution में है क्या, इस solution में alcohol है, potassium dichromate है, H2SO4 है, और साथ में जब ये बन जाएगा एक liquid और आ जाएगा, और ये liquid जो है वो low boiling point का है. तो जो भी आप बना रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो आप ये वाला रिएक्शन करवा रहे हो, मेथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 70°C, ये वाला जो फॉर्मेल्डिहाइड बनना है इसका टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 50°C, तो आप क्या करोगे, आपको पता है रिएक्शन में ये बनना है, आपने मेथनॉल में पोटाशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 डाला और इस बिकर को 50°C पे रख दिया, सो दैट जैसे ही ये वाला एल्डिहाइड बने वो बॉयल हो जाए. ये थोड़ी ना बॉयल होगा, इसका तो 74°C बॉइलिंग पॉइंट, तो ऐसे फिर सेपरेट कर लिया जाता है. ठीक, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है तो, बट हमारे पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं, उनमें क्या होता है, उनमें फिर ये डिस्टिलेशन करवाने का कोई चक्कर वगैरह है ही नहीं. ठीक है, तो क्या करो आप यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वाले स्ट्रॉन्ग वाले ना यूज करके इस एरो के ऊपर, जरूरी नहीं ये लिखना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप स्ट्रॉन्ग वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज ना करके क्या करोगे, यू विल यूज वीक वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ये रहे. और उससे पहले हम कीटोन्स की प्रेपरेशन पढ़ लेते हैं कि प्रेपरेशन ऑफ कीटोन कैसे होती है. कीटोन्स को प्रिपेयर करने के लिए क्या लगेगा, 2° अल्कोहल. 2° अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओगे, यहाँ से एच गया, यहाँ से एच गया, और यहाँ पे दोनों में डबल बॉन्ड बन गया, तो आपका बन गया 2° अल्कोहल. ठीक है, ऑक्सीडेशन में हो क्या रहा है, जो आपका कार्बन है जो OH से जुड़ा है उसका एक एच जा रहा है, और जो अल्कोहल है उसका अपना एच जा रहा है, और इन दोनों के बीच में दो डबल बॉन्ड बन जा रहा है. पिछले में भी ऐसा ही हो रहा था, ठीक है, और इसमें भी ऐसा ही हो रहा है. 2° अल्कोहल में ये ऑक्सीडेशन होगी, यू विल गेट कीटोन एंड वाटर. ओके, तो ये आपने 2° अल्कोहल के एग्जांपल दे दिए, जिसमें आपके पास क्या बनेगा, अल्टीमेट प्रोडक्ट कीटोन. ओके, कीटोन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड हो, इसके इस साइड भी कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप लगा होता है, लेफ्ट साइड भी अल्काइल ग्रुप लगा होता है, राइट साइड भी अल्काइल ग्रुप. ओके, अब जैसे मैंने बोला अदर रिएजेंट्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, ये माइल्ड रिएजेंट हैं, चाहे आप इनके ऊपर लिख दो, दीज आर माइल्ड रिएजेंट्स. ठीक है, मतलब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मतलब रुकते ही नहीं है कि पहले फटाफट अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में करते हैं और उसके बाद फर्दर उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में करते हैं, ये एल्डिहाइड बना के रुक जाते हैं. ठीक है, और स्पेशली एल्डिहाइड में ज्यादा टेक केयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एल्डिहाइड्स में, एल्डिहाइड्स की कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में बड़ी ही जल्दी होती है. इनमें तो चलो ये थोड़े बहुत रेजिस्टेंट होते हैं फर्दर ऑक्सीडेशन के तरफ, हालांकि हो इसकी भी जाती है, बट थोड़े बहुत रेजिस्टेंट होते हैं ये. बट जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनके लिए तो मतलब बड़ा ही टेक केयर करना पड़ेगा. तो इतना टेक केयर अगर आप नहीं कर सकते रिएक्शन की, तो यू कैन यूज अदर रिएजेंट्स. ये मैंने अल्कोहल्स में भी बताया था कि अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से आप अगर एल्डिहाइड्स ही बनाना चाहते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड पे नहीं जाना चाहते और डिस्टिल ऑफ नहीं करवाना चाहते, तो क्या करो, एक तरीका ये है कि यू विल यूज ये वीक वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जैसे सेरेट रिएजेंट है, वो क्या होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरिडीन. ठीक है, कॉलिंस रिएजेंट है, ये सेरेट रिएजेंट की ही, सेरेट रिएजेंट की ही मॉडिफिकेशन है. इसमें क्या होता है, सेरेट रिएजेंट को यूज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमेथेन. नेक्स्ट है कॉरेज रिएजेंट, इसको पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है, ये क्रोमियम ट्राइक्लोराइड पिरिडीन और HCl का मिक्सचर होता है 1:1:1 में. अभी तो ये ऐसे लिखा हुआ मैंने, तीनों फॉर्मूला को डॉट डॉट से कनेक्ट किया हुआ, मतलब 1:1:1 में. या पिरिडीनियम डायक्रोमेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में PDC बोलते हैं, जैसे इसको PCC भी बोलते हैं कॉरेज रिएजेंट को. इसका फॉर्मूला क्या होता है, पिरिडीन और डायक्रोमेट. ओके, क्लियर. ऑल दीज रिएजेंट यूज्ड टू ऑक्सीडाइज 1° अल्कोहल टू एल्डिहाइड आराम से, उसके बाद कोई डिस्टिल ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, एंड 2° अल्कोहल टू कीटोन. ओके, क्लियर. और इनकी एक और खासियत है, ये जितने भी हमने रिएजेंट पढ़े ना, इनकी एक और खासियत है, क्या खासियत है, ये डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करते. ठीक है, डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करते, उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ सामने आएगी, अभी आगे मैं बताऊंगा कहाँ सामने आएगी. ठीक, ये देखो मेरे पास मान लो ये वाला अल्कोहल है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है कहीं. ठीक,
मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन करवा देता है और इस बॉन्ड को तोड़ देता है, एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन भी हो जाती है। ओके, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस डबल बॉन्ड पे अटैक ना हो, तो हमने क्या किया, हमने माइल्ड वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, पीसीसी यूज्ड इन डायक्लोरोमेथेन, ये वाला हो गया ना, पीसीसी यूज्ड इन डायक्लोरोमेथेन, कहाँ कब यूज करते हैं, ये पिरिडिनियम डायक्लोरोक्रोमेट बॉर्डर की एब्सेंस में यूज करते हैं ना इसको, ठीक, क्यों या बॉर्डर की एब्सेंस में ही क्यों, उसका भी आगे मैंने रीजन दिया हुआ है। देखो इसकी अब क्या होगा, इसमें सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, और आपको पता है यहाँ पे कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ये यहाँ से एक एच गया, यहाँ से एक एच गया, यहाँ पे सी एच ओ बन गया, ये बन गया, ठीक। बट अगर यहीं पे हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया होता तो उसने इसको तो एल्डिहाइड बनाना ही बनाना है, हो सकता है एल्डिहाइड से आगे भी चला जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दे, उसने इस डबल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन भी कर देनी है, और जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है, तो व्हाट विल यू गेट, आपके पास दो ऐसे प्रोडक्ट आ जाएंगे, ऐसे वाले दो प्रोडक्ट आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ से क्लीवेज हो गई हुई है, ये इससे ये बन गया, ये जो बचा इससे ये वाला बन गया, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रखी है, ये नहीं कि यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हुई, यहाँ भी हो रखी है, और हो सकता है ये फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो इसलिए अगर आप चाहते हो, मान लो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इंडस्ट्री में हो, आप साइंटिस्ट लगे हुए हो, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने अल्कोहल को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, बट आपके उस कंपाउंड में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड भी है, आप चाहते हो कि उस डबल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन ना हो, उस टाइम आप क्या करोगे, उस टाइम आप इन चारों में से जो माइल्ड रिएजेंट हैं उनमें से कोई ना कोई रिएजेंट यूज करोगे, सो दैट कि आपकी ये डबल बॉन्ड की ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। और एक और रिएजेंट है जॉन्स रिएजेंट, ये भी बड़ा मशहूर है, इसलिए नेम रिएजेंट मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये भी थोड़े थोड़े क्या कह सकते हो मशहूर टाइप ही है, ठीक है, ये भी ऐसा ही है, ये भी डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के काम आता है एट रूम टेम्परेचर। और जॉन्स रिएजेंट होता क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और H2SO4 का मिक्सचर, बट इस मिक्सचर को कहाँ पे यूज करना है, एक्वस एसीटोन की प्रेजेंस में यूज करना है, सॉल्वेंट आपने क्या लेना है, एक्वस एसीटोन, ये चीजें याद ही करनी पड़नी है क्योंकि ये बिहेवियर इनका, इसका इस मिक्सचर का जो बिहेवियर है एज अ वीक रिएजेंट इसी के साथ निकल के आता है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है और ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता, जैसे यहाँ पे बस इसी की ऑक्सीडेशन हुई है और आपके पास क्या बन गया, CHO। ओके, बट जॉन्स रिएजेंट को कभी भी एक्सेस में यूज नहीं करना होता, अगर एक्सेस में यूज करो तो क्या होगा, फिर ये भी इस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड पे तो चलो अटैक नहीं करेगा बट इसके ऊपर फर्दर अटैक होने पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा एल्डिहाइड। ओके, अब एक और क्वेश्चन निकल के आता है दिमाग में कि ये जो हैं ये वाले स्ट्रॉन्ग वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनको क्या प्रॉब्लम है, ये वाले जो हैं ये क्यों नहीं, मतलब ये क्यों उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देते हैं टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका रीजन देख लेते हैं। उसका रीजन है क्योंकि ये सारे रिएजेंट जितने भी हैं ये वाले, ये जितने भी रिएजेंट हैं ये वाले, ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर यूज होते हैं, मतलब वाटर का कोई ना कोई पक्का पंगा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाटर के प्रेजेंस में यूज होने वाले हैं। अब उसको समझते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट ऐड भी किया हुआ है, द सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन टू एल्डिहाइड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वाटर, इन सभी रिएजेंट्स में वाटर कहीं भी एज अ सॉल्वेंट नहीं दिखा आपको, क्यों नहीं दिखा, क्योंकि वाटर ही पंगे की जड़ है, जो ये फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है ना एल्डिहाइड एंड कीटोन जो बनते हैं टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका रीजन वाटर है ना, जो इनके लिए वाटर यूज होता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाटर में ही यूज होते हैं, वही सारी पंगे की जड़ है, ठीक है, कैसे उसका मैकेनिज्म है, ये रहा ये कॉम्पिटिशन का टॉपिक है तो इसको अभी मैं इतना ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपकी क्यूरियोसिटी है पहले पढ़ना चाहते हो तो उसको पढ़ लेना। ओके, चलो
अब आता है आपके पास सेकंड, बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, मतलब एल्कोहल्स की डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रोजनेशन का दूसरा ना मतलब भी ऑक्सीडेशन ही होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन ना, 10th में डेफिनेशन पढ़ी हुई है हमने, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन। ओके, तो एल्कोहल्स की कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, जैसे हमने पहले यूज क्या किया, ये जो पहले ऑक्सीडेशन हमने करवाई है वो किसकी प्रेजेंस में करवाई है? वो हमने करवाई है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में। बट इस बार क्या करना है, हमने कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज करना है। ओके, और वो कैटलिस्ट क्या करवाएगा? डिहाइड्रोजनेशन करवाएगा, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिमूवल करवाएगा अल्कोहल से, जिसको इनडायरेक्टली ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। ओके, तो इसमें भी क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा उसकी कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन हम कॉपर की प्रेजेंस में करवाते हैं एट 573 केल्विन। उस टाइम आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड्स एंड हाइड्रोजन विल बी एज अ बाय प्रोडक्ट। 2 डिग्री अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करवाओगे, सॉरी डिहाइड्रोजनेशन हाइड्रोजनेशन करवाओगे, हालांकि इसको ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल की अगर डिहाइड्रोजनेशन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 573 केल्विन, यू विल गेट कीटोन एंड हाइड्रोजन विल बी एज अ बाय प्रोडक्ट। इसको भी ऐसे समझो कि ये जो कैटालिटिक कैटलिस्ट यूज किया, ये ऑक्सीजन तो नहीं दे पाता, बट ये अल्कोहल्स में से 2 हाइड्रोजन बड़े बखूबी निकाल लेता है। कहाँ से? एक हाइड्रोजन इसका निकाल लेता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेता है, H2 बना के बाहर निकाल देता है, और ये बचा गया एल्डिहाइड, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल था। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो एक H इसका निकलेगा, एक OH वाले ग्रुप का निकलेगा, तो क्या बन गया, ये बन गया कीटोन। सिंपल, याद रखने का तरीका भी बता रहा हूँ, इसमें मैकेनिज्म नहीं हम डिटेल में डिस्कस कर रहे, तो याद रखने का तरीका, जैसे अगर आपके पास इथेनॉल होगा यू विल गेट एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, एक यहाँ से रिमूव हुआ, यू गॉट दिस। ठीक है, ये 2 डिग्री अल्कोहल की एग्जांपल ले ली। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मैंने कल भी बताया था कहाँ यूज होता है, सैनिटाइजर में। इथेनॉल भी सैनिटाइजर में भी यूज होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी सैनिटाइजर में यूज होता है, बट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो ज्यादा इवेपोरेटिंग होता है, इसलिए जो बढ़िया वाले सैनिटाइजर है उनमें ये यूज किया जाता है, सो दैट आपके हैंड जल्दी ड्राई हो। ओके, तो उसको छोड़ो, वो अब मेन टॉपिक से बाहर की बात है, ठीक, वो वैसे जीके। आपके पास अब यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, एक यहाँ से गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ बन गया, यू गॉट दिस कीटोन। ओके, सिंपल। ओके, तो हमने फर्स्ट कर लिया फ्रॉम एल्कोहल्स। सेकेंड वे टू प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन इज बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें थोड़ा सा क्रैमिंग करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा इसमें खास हम मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा क्रैम अप टाइप ही है इसमें, समझ लेना। ओके, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपरेशन करने का जो फर्स्ट मेथड है वो है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड को तो किसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड बोला जाता है। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड लेके पहले उसका कैल्शियम सॉल्ट बनाना है, उसके बाद उस सॉल्ट की ड्राई डिस्टिलेशन करनी है। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब है उसको गर्म कर देना है। ओके, जैसे बेस, पहले फैटी सॉल्ट कैसे बनेगा, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड कैसे बनेगा, जैसे मान लो आपने एसिटिक एसिड का फैटी सॉल्ट बनाना है, तो आपने एसिटिक एसिड लेना है, ये बेसिक साइंस है 10वीं वाली, वी नो दैट बेस प्लस एसिड कंबाइंड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो हमने क्या किया, एसिटिक एसिड लिया जिसका हमने फैटी एसिड बनाना, फैटी सॉल्ट बनाना है, कैल्शियम सॉल्ट, बेस हमने वो वाला यूज करना है जिसमें कैल्शियम कटायन होगा, तो ये वाला एसिड और ये वाला बेस मिलके क्या करेंगे, ये वाला सॉल्ट बनाएंगे जिसमें एनायन, जिसमें जो कटायन है वो कैल्शियम है, तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ओके, अब इसको यूज करना है। ओके, ये तो मैंने वैसे भी दिखा दिया प्रेपरेशन कैसे होती है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड की, सिंपल बेसिक साइंस लगती है 10th वाली, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो आपका सॉल्ट बनेगा, ठीक, उसकी ड्राई डिस्टिलेशन करवाओगे, तो ऐसे बोलो इसका स्ट्रक्चर मैंने दिखाया हुआ है, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ये है, इलेबोरेटेड वन। ओके, तो आपके पास इसका स्ट्रक्चर दिखाई दो, नहीं तो इसको पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर, मॉडिफाई क्या ऐसे बना देते हैं, ये रहा, उसके बाद इसको ही उल्टा करके दिखाया हुआ, जैसे यहाँ पे मैंने उल्टा बनाया हुआ ना, इसको उल्टा करके बनाया हुआ है, ठीक। तो बस इसमें ये याद रखना है कि ये इतना ग्रुप जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट बना के बाहर निकल जाता है,
ठीक है, और जो बचता है ये CH3 बचा और ये जो बचा इसमें सी डबल बॉन्ड ओ भी बचा, ये आपस में जुड़ जाते हैं यहाँ से, तो क्या बन गया आपके पास, ये बन गया ना कीटोन। इसका नेम क्या है, इसका नेम कॉमन नेम ही लिखूंगा मैं क्योंकि कॉमन नेम इसका ज़्यादा फेमस है, एसीटोन। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे आपने एसिड, ये तो कौन सा यूज़ किया आपने, एसिडिक एसिड यूज़ किया ना, अगर आपने यहाँ पे फॉर्मिक एसिड यूज़ किया होता तो क्या होता, फिर आपके पास सॉल्ट भी फॉर्मिक एसिड वाला बनना था, वो कैसा होना था, ये होना था फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड कौन सा होना था, ये वाला होना था। ओके, तो इसमें भी बस जब इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करनी है तो कैल्शियम कार्बोनेट निकलना है, वो कैसे निकलेगा, इतना रीजन ये चला गया कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में, एक कैल्शियम एक कार्बन तीन ऑक्सीजन, एक कैल्शियम तीन कार्बन एक कार्बन, तीन ऑक्सीजन एक कार्बन। ओके, तो आपके पास ये यहाँ से जुड़ गया, क्या बन गया, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या है, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड की एक टाइप है। ओके, क्लियर। और ये वाला जो मेथड है वो ज्यादातर कीटोन्स के लिए लगता है, एल्डिहाइड्स में सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड को बना सकते हैं हम इस मेथड से, जैसे ये वाला मेथड दिखाया ना हमने, उस टाइम आपने कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड यूज करना है जिसको कैल्शियम फॉर्मेट बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को बस बना सकते हैं इस मेथड से, ये वाला जो हमने किया बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। बाकी कीटोन आप सभी तरह के इससे बना सकते हो क्योंकि यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है। ओके, जरूरी नहीं CH3 लेना तो यहाँ पे आर हो जाएगा, कीटोन आप किसी तरीके का भी बना सकते हो इस मेथड से, बट फॉर्मेल्डिहाइड में, सॉरी एल्डिहाइड में सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड बनता है इस मेथड से। फिर इसको इसका जनरल रिएक्शन भी लिख देता हूँ, जनरल रिएक्शन आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी ए सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। ओके, इसकी ड्राई डिस्टिलेशन से क्या होगा, वी विल गेट आर सी डबल बॉन्ड ओ ये आर प्लस सी ए सी ओ थ्री। ओके, ड्राई डिस्टिलेशन में क्या हुआ, यहाँ से ये पूरा ग्रुप रिमूव हो गया और इसने क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये एक तरह का क्रैम अप भी करना है, ठीक है, समझ लेना इसको, थोड़ा बहुत समझ के क्रैम अप कर लो। नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड मेथड ऑफ फॉर्मिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन बाय यूजिंग फैटी एसिड। फैटी एसिड किसको बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड बोलते हैं, याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ फैटी एसिड ओवर MnO मैंगनीज ऑक्साइड एट 573 केल्विन। ठीक, तो हमने क्या करना है, आपने सिर्फ क्या करना है, जो फैटी एसिड जिसका आपने एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है उसको MnO के ऊपर से पास थ्रू करवाना है, जैसे MnO की ये रहा आपके पास MnO पाउडर, इसके ऊपर आपने वो वाला कार्बोक्सिलिक एसिड पास करवा देना। जैसे अगर आप एसिटिक एसिड को पास करवाओगे तो दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जो हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म एसीटोन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर फॉर्मिक एसिड लोगे तो उससे क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर आपने मिक्सचर लिया लेट अस से एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का, यू विल गेट व्हाट इज दिस, ये मैंने थोड़ा सा ऑड से स्ट्रक्चर बना दिया, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये है CH3CH2। ओके, क्लियर, इसको यहाँ से काट ही दो चाहे, ये क्या बना आपके पास, एसिटाल्डिहाइड, या इसका अगर IUPAC नेम बोलें तो वो क्या है, इथेनॉल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी दी बाय प्रोडक्ट। मतलब इसमें आप सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर करवाओ, अगर आप पास जो करवा रहे हो वेपर वो सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, जैसे सारे मॉलिक्यूल आपने कौन से लिए, ये कौन सा, एसिटिक एसिड के, तब आपके पास सिमेट्री मेंटेन रहेगी, CO ग्रुप के साइड दोनों साइड जो लगेगा ग्रुप वो सेम ही होगा, जैसे इसके केस में दोनों साइड ग्रुप कौन सा लगेगा, ये H, इसमें कौन सा लगा, CH3। ओके, तो इसके केस में दोनों साइड H लग गया, इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, H C डबल बॉन्ड O H। ओके, क्लियर, इसमें वैसे मैकेनिज्म नहीं बोल सकते वैसे इसको, ठीक है, करने का तरीका ये आप कैसे याद रख सकते हो, तो देखो ये वाला फर्स्ट वाले को मैंने दिखाया हुआ है कि ये कैसे हुआ, ये रहा आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल एसिडिक एसिड का, ये रहा आपका सेकंड एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूल, सेकंड वाले एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल का ये सारा का सारा ग्रुप रिमूव हो रहा है। ओके, जो फर्स्ट वाला है उसका सिर्फ OH रिमूव हो रहा है
और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, और ये जो बचा और ये जो है ये आपस में यहाँ से जुड़ जा रहा है, ये बन गया, एंड वाटर इज दी बाय प्रोडक्ट। ओके, सिमिलरली फॉर्मिक एसिड के लिए भी आप समझ सकते हो और मिक्सचर के लिए भी आप समझ सकते हो। ये जो मिक्सचर वाला है इसका मैकेनिज्म ये है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, दोनों के केस में यही प्रोडक्ट बनेगा एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, एक का सी ओ ओ एच ग्रुप पूरा रिमूव हो जाएगा, दूसरे का सिर्फ ओ एच रिमूव होगा और बाकी जो बचेगा वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा टू फॉर्म एल्डिहाइड या कीटोन डिपेंडिंग अपॉन योर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट थर्ड मेथड इज सी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट सब मेथड आता है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन्स, एल्काइन्स की हाइड्रेशन करवा दो। मतलब एल्काइन क्या होता है, जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आए दैट इज कॉल्ड एज दी एल्काइन। तो ये हो गया, इसमें हाइड्रेशन करवाएंगे। वाटर मैंने आपको क्या बोला हुआ, एच पॉजिटिव आयन और ओ एच नेगेटिव आयन रिलीज करता है। ठीक, एच पॉजिटिव आयन किस कार्बन के ऊपर, एक कार्बन के ऊपर एच पॉजिटिव आयन ऐड हो जाएगा, दूसरे कार्बन के ऊपर ओ एच नेगेटिव आयन ऐड हो जाएगा और यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा। एक्चुअल में होगा क्या, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड का जो एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, मान लो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये डबल ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, एच वाटर से क्या निकलेगा, एच पॉजिटिव आयन और ओ एच नेगेटिव आयन। जो एच पॉजिटिव आयन है वो इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा, ओ एच नेगेटिव आयन इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा, क्या बन गया, यू गॉट दिस एल्कोहल। हमने मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल में भी किया था ये, उसमें बस ये होता है कि उसमें एल्कीन्स के लिए किया था कि एल्कीन्स की हाइड्रेशन करो तो आपके पास एल्कोहल बन जाता है। ओके, इसमें क्या है, इसमें एल्काइन्स है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड बनता है बस। तो इसमें ये क्या बना, इट इज कॉल्ड एज द इनोल। ठीक है, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ये जो इनोल फॉर्म बनी है ये अपने आप को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है, क्योंकि ये इनोल फॉर्म इतनी स्टेबल नहीं होती। कीटो फॉर्म में कन्वर्जन कैसे होती है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए चले जाते हैं, इस हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है वो इसको यहाँ से मिल जाता है, तो क्या बन गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और ये सी एच टू बन जाएगा। यू गेट दिस, ये क्या हुआ है, ये टॉटोमेरिज्म हुई है, बिकॉज दिस इनोल फॉर्म इज नॉट स्टेबल, इट फॉर्म्ड कीटो फॉर्म। ओके, क्लियर। अगर आपके पास ये तो था, अगर एल्काइन जो है वो सिमेट्रिकल है, मतलब उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है दोनों एक सही एल्काइल ग्रुप हैं, बट अगर आपका एल्काइन जो है दैट इज अनसिमेट्रिकल, तो आपका प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। मतलब वाटर से एच पॉजिटिव आयन और ओ एच नेगेटिव आयन निकलेंगे ना, एच पॉजिटिव आयन इस पे ऐड होगा कि इस पे ऐड होगा, उस कार्बन पे ऐड होगा जिस कार्बन के ऊपर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो एच पॉजिटिव आयन इसके ऊपर ऐड होगा, ओ एच नेगेटिव आयन इसके ऊपर ऐड होगा, तो आपके पास कौन सा अल्कोहल बनेगा, दिस, ये वाला अल्कोहल बनेगा। हालांकि इसको अल्कोहल नहीं इनोल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और ओ एच के लिए क्या आता है, ओल। इसका नेम क्या बना, प्रॉप वन इन टू ओल, इसका नेम है प्रॉप वन इन टू ओल। ओके, उसके बाद इसका अगर टॉटोमेरिज्म होगा तो क्या होगा, इसको अभी टॉटोमेरिज्म डिटेल में ना जाते हुए, अगर आपको भूल गया हुआ है तो डिटेल में ना जाते हुए बस ये याद रखो, जिस कार्बन के ऊपर ओ एच ग्रुप लगा होता है ऑक्सीजन उस कार्बन के साथ बना देता है डबल बॉन्ड, या ऐसा बोल लो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और ये वाला हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है, इस कार्बन का जिसके ऊपर ओ एच है, ये हाइड्रोजन उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया, यहाँ बन जाएगा सी एच थ्री और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। यू गॉट दिस, ओके, क्या हुआ है, कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक, सिमिलरली एक और एग्जांपल लिखी हुई है मैंने, ये हो गया। उसके बाद एक पॉइंट नोट करने वाला क्या है, इस मेथड से आप कभी भी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें कभी कीटो, इसमें पहली बात इनोल फॉर्म ही नहीं बनेगी, इनोल फॉर्म बनने के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आना चाहिए ना, इसमें होता ही एक कार्बन है, तो इस मेथड से आप कभी भी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। बाकी कोई भी तरह का कीटोन और एल्डिहाइड आप इस मेथड से बना सकते हो। ओके, क्लियर।
फ्रॉम एल्डिहाइड्स का फर्स्ट मेथड इज डन, अब इससे सेकंड मेथड भी है, वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है, और वो भी हम एल्कोहल्स की प्रेपरेशन में पढ़ चुके हैं. सो फर्स्ट मेथड इज डन, हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स कर रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. तो उसमें फर्स्ट मेथड था बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन्स, वो हमने कर लिया. नेक्स्ट है, इसमें भी एल्काइन्स का ही यूज करना है क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन से प्रेपरेशन की बात कर रहे हैं. वी आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और एल्काइन्स जो है वो हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है. हाइड्रेशन ही होती है ना ये वाला, इसमें भी एक तरह की हाइड्रेशन ही करनी होती है, बट इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या नेम क्या पढ़ लेते हैं, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन्स. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स हमने पढ़ा है कहीं अभी पिछले चैप्टर में, एल्कोहल्स में, एल्कोहल्स की प्रेपरेशन में हमने ये जो रिएक्शन पढ़ा है कि हाइड्रोबोरेक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स में आपके पास जो एल्कोहल बनता है वो एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बनता है. इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ये वाले में, ठीक है, जब हाइड्रेशन करते थे एल्कीन्स की, मैं एल्कीन्स की टर्म में बात कर रहा हूँ, उसमें जो प्रोडक्ट बनता था वो मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बनता है, और इसमें भी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बना ना, ठीक है, कि जो वाटर का नेगेटिव पार्ट निकला वो इसके ऊपर ऐड हुआ जिस कार्बन के ऊपर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थे, और हाइड्रोजन उसके ऊपर ऐड हुआ जिसके ऊपर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम थे, उसको बोलते हैं ना मार्कोवनिकोव रूल. इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनता है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन्स, इसमें प्रोडक्ट बनता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग. अल्कोहल जो बनेगा बनेगा इसमें भी इनोल ही पहले, और उसका कीटोनोल टॉटोमेरिज्म करवाओगे तो कीटोन फॉर्म बन जाएगी या एल्डिहाइड फॉर्म बन जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि एल्डिहाइड बनना है कि कीटोन. तो इसमें फर्स्ट यू विल गेट इनोल देन एल्डिहाइड और कीटोन, वो तो वही बात लिखी जो पिछले में होनी है. जैसे आपके पास ये एल्काइन लिया आपने, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, आपको बोरोहाइड्राइड यूज करना है B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF. ओके, तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग बोरोन जो है, अब इसमें ये वाला फॉर्मेशन इसके लिए प्रोडक्ट वो पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ेगा, वो मैंने लिखा नहीं अभी. अभी तक इतना जान लो कि B2H6 से BH3 बनेगा. ओके, BH3 के तीनों H जो हैं वो इससे रिप्लेस हो जाएंगे. एक बी, जैसे मान लो BH3 ऐसा होता है ना, ये H जाएगा और यहाँ पे एक कार्बन के थ्रू यहाँ पे लिंकिंग हो जाएगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाना, मतलब क्या बन जाएगा, BHH और इस, ये इसको जोड़ते हैं इसमें, कैसे जुड़ेगा ये, C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH3, इस पूरे को यहाँ से मैंने जोड़ा है. ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, ये CCH3 इस साइड आ गया. ओके, फिर जो हाइड्रोजन निकला यहाँ से वो इस कार्बन के ऊपर जुड़ गया, नेक्स्ट वाले कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर. ओके, और बाकी आपके पास ये रहा स्ट्रक्चर. सिमिलरली बाद में ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह भी ऐसे जुड़ जाएगा ये वाला ग्रुप, और बाद में ये जुड़ जाएगा, निकल जाएगा, तो आपके पास ये वाली स्पीसीज बन जाएगी. ओके, कैसे बनती है, इसका मैकेनिज्म पहले ऑलरेडी डिस्कस हुआ हुआ है एल्कोहल्स में, एल्कोहल्स की प्रेपरेशन में. ओके, अगर नहीं कंफ्यूजिंग लगे तो लगेगा तो इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर दूंगा. क्लियर, यहाँ पे मैंने दो क्यों लिखा हुआ, बैलेंसिंग नहीं करना तो ना करो, क्योंकि B2H6 से दो BH3 प्रोड्यूस होंगे ना, और दो BH3 क्या करेंगे, ऐसे 6 मॉलिक्यूल्स को अकोमोडेट करवा के दो ये वाली स्पीसीज बना लेंगे, और इस स्पीसीज की अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, वट विल यू गेट, कार्बन जो बोरोन से जुड़ा है उस कार्बन को, यहाँ से ये तीनों के तीनों निकल जाएंगे और इस कार्बन का OH से बॉन्ड बन जाएगा, यू विल गेट दिस. ओके, हालांकि ये तो सिमेट्रिकल एल्काइन था, इसमें चाहे पिछले वाले मेथड के थ्रू करवा लो OH की एडिशन, चाहे इस वाले मेथड के थ्रू करवा लो, यही प्रोडक्ट बनना है. ओके, क्लियर, और ये जब टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ये इनोल फॉर्म बन गई ना, इसमें डबल बॉन्ड और OH आ गया, इसको इनोल फॉर्म बोलते हैं, जिस कार्बन के ऊपर OH है वही डबल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसको इनोल फॉर्म बोलते हैं. और नेमिंग में भी इसकी नेमिंग ऐसे ही होती है, इनोल, इसका नेम करके देखें, 1, 2, 3, 4, इसका नेम है ब्यूट टू इन
टू ओल, इसलिए इसको बोलते हैं इनोल, क्योंकि इसका एंडिंग इन ओल ऐसे हो रही है। तो इसमें अब टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ये एच इसके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल हो जाएगा। ओके क्लियर। इसको चाहे पिछले वाले मेथड से भी करवा लेते, इस मेथड से हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से, तो भी आपका प्रोडक्ट यही बनता, ये वाला। तो इसमें तो कोई डिफरेंशिएशन क्रिएट हुई नहीं, इसमें डिफरेंशिएशन क्रिएट होती है। अगर इससे इनोल बनाओगे बाय यूजिंग दिस मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज दी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, तो होगा क्या, ये वाला जो एल्काइन है वो कौन सा अल्कोहल बनाएगा, इट विल फॉर्म अल्कोहल अकॉर्डिंग टू दी एंटी मार्कोवनिकोव रूल। ये बना इसका अल्कोहल एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, अदरवाइज पिछले वाले मेथड से करवाते तो ओ एच ग्रुप यहाँ पे लगता, यहाँ पे सी एच टू आता, और इसमें उल्टा हुआ है। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे सी एच बना, इस सी एच के साथ ओ एच लगा, और डबल बॉन्ड ये है, यहाँ पे एच यहाँ पे लग गया, वेट सी एच थ्री सी डबल सी एच डबल बॉन्ड सी एच ओ एच, ये बनाया इसमें। और पिछले वाले मेथड से करते जैसे ये मैंने दिखाया ही हुआ, तो आपके छोड़ो इसको पहले, अभी अगर पिछले वाले मेथड से करते तो क्या बनता, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ओ एच, इनोल फॉर्म कौन सी बनती वो दिखा रहा हूँ, डबल बॉन्ड सी एच थ्री। इस वाले मेथड से कर रहे हो तो क्या बन रहा है, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ओ एच, इसमें प्रोडक्ट एंटी मार्कोवनिकोव के अकॉर्डिंग आता है इनोल फॉर्म, इसमें इनोल फॉर्म मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आती है, ये दिखाया हुआ है। ठीक, तो ये आपके पास इसका टॉटोमेरिज्म जब शो होगा तो क्या बनेगा, दिस, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है, ये क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया मैंने, ये बन गया, ये क्या बन गया, प्रोपेनॉल। ओके क्लियर। बट यही वाला अगर आपने यूज किया होता पिछले वाले में, इसमें आपका प्रोडक्ट क्या बना, प्रोपेनॉल ना, पिछले वाले में याद है इसका प्रोडक्ट क्या बना था, एसीटोन। ओके क्लियर। मतलब अगर आपके पास प्रोपाइन है और प्रोपाइन को आपने प्रोपेनॉल बनाना है, यू विल हैव टू डू हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अदरवाइज इफ यू वॉन्ट टू मेक इट, प्रोपाइन को आपने बनाना है एसीटोन, देन यू हैव टू डू हाइड्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोपाइन, क्योंकि देखो प्रोपाइन की हाइड्रेशन करने पे एसीटोन एज अ प्रोडक्ट आता है, बट अगर आप प्रोपाइन के लिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपके पास अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या आता है। ठीक, अब जैसे इसमें थोड़ा सा मैंने मैकेनिज्म डिस्कस किया हुआ इसका आगे, वो ये रहा, ये प्रोपाइन है, ये BH3 के साथ कैसे जुड़ता है, ये ट्रिपल बॉन्ड BH3 बोरोन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, मैकेनिज्म जरूरी नहीं करना ही है, बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड इस बोरोन के ऊपर अटैक कर दे तो क्या होगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा, बोरोन बीइंग लुईस एसिड, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटना शुरू हो गया। ओके, और ये नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन के साथ इंटरेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ये नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। ओके, और ये वाला हाइड्रोजन इसके इससे बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देगा, और ये भी बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, अल्टीमेटली ये भी बॉन्ड ये डबल बन जाएगा, यू विल गेट दिस। तो इस तरह बी का जो एक एच है वो रिप्लेस हो गया सी एच थ्री सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू से। ओके, यहाँ पे वैसे सी एच टू नहीं आना, यहाँ पे सी नहीं सी एच टू ही आना है, पर सी एच टू कैसे बना, यहाँ पे सी एच था, वेट यहाँ पे सी एच होना है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी नहीं ना फाइव हो सकती, यहाँ पे सी एच। ओके, तो ये आपके पास इस तरह आपका बोरोन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया इस ग्रुप से, ऐसे ही फिर अगला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, और ऐसे ही फिर अगला, और इस बी एच थ्री के साथ क्या होगा, ऐसे वाले तीन ग्रुप लग जाएंगे। तो उसको कैसे लिखते हैं, बी सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री होल थ्राइस, या ऐसे जैसे यहाँ पे लिख दिया हुआ, ये भी लिखा हुआ, ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है जो डिस्कस किया हुआ है। इसमें एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग अल्कोहल बनता है। ओके, मेन बात ये नोट करने वाली है,
इस रिएक्शन को आप कट शॉर्ट करके भी लिख सकते हो। इसको कट शॉर्ट इतने स्टेप्स में लिखने की जरूरत नहीं है। इसको अगर कट शॉर्ट करके लिखना है तो कैसे लिखोगे? अगर मैं इस रिएक्शन की ही बात करूं, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच थ्री, ओके, इसको लिखोगे, इसमें फर्स्ट स्टेप में आप बी टू एच सिक्स सी एच एफ के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो, सेकेंड स्टेप में आप इसमें एच टू ओ टू ऐड कर देते हो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए यहाँ पे, और अल्टीमेटली आपके पास क्या प्रोडक्ट बनता है? पहले आपके पास बनता है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी ओ एच सी एच थ्री, उसके बाद इसकी टॉटोमराइजेशन होकर क्या बन जाता है? सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, यू गॉट दिस, ये कीटोन बन जाता है। ओके, इसको कट शॉर्ट ऐसे लिखते हैं पेपर में, आपको लिखा ऐसे आएगा कि इसकी कन्वर्जन करो, बताओ ये प्रोडक्ट क्या आएगा। ओके, सो दिस इज इट विद प्रेपरेशन बाय यूजिंग हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की प्रेपरेशन बाय यूजिंग हाइड्रोकार्बन। उसमें फर्स्ट मेथड ये हो गया बाय अल्काइन्स, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, सेकंड हो गया बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, उसके बाद लास्ट भी है एक, दैट इज बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। इसमें यहाँ पे वर्ड नोट करो, एल्कीन्स नॉट अल्काइन्स, ओके, बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस का मतलब होता है ओजोनो, ओजोनो वर्ड से मतलब समझ लग गया, ओजोन के साथ रिएक्शन होनी है, लिसिस का मतलब होता है क्लीवेज, ठीक है, मतलब इसमें ओजोन के साथ रिएक्शन भी होनी है, कुछ बॉन्ड टूटने हैं, कुछ नए बॉन्ड बनने हैं, ठीक है। रिडक्टिव का मतलब रिडक्शन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी। तो इसमें क्या होता है, जनरल लिख लें पहले, जनरल में अभी रुक जाओ, ये रहा आपके पास जनरल मैकेनिकल रिएक्शन जो हो रहा है। जनरल में क्या होता है, एल्कीन प्लस ओजोन दे बोथ रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सी एच सी एल थ्री एट 196 केल्विन, दे फॉर्म ओजोनाइड। ओजोनाइड एक इंटरमीडिएट है, और ये वाला जो ओजोनाइड बना, ये जिंक की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट बना के निकाल देता है, और अल्टीमेटली आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है, एल्डिहाइड या कीटोन। और इसमें टू एल्डिहाइड या टू कीटोन बनते हैं, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन बनता है, ओके, कैसे? ये एल्कीन है, ये ओजोन है, कैसे बनेगा ये ओजोनाइड? कैसे होगा, डबल बॉन्ड के अराउंड एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, देख लो कैसे बनाना है, क्योंकि भूल जाना है आप लोगों ने, ठीक है। और यहाँ से डबल बॉन्ड बिल्कुल टूट जाएगा, और यहाँ पे एक हट सी बना देनी है ऐसे। ये वाला जो इंटरमीडिएट है उसको बोलते हैं ओजोनाइड, और ये जो ओजोनाइड है इसको जब आप वाटर और जिंक, मान लो आपने वाटर में जिंक डस्ट डाली हुई है, जिंक का पाउडर डाला हुआ है, ठीक है, या ऐसे बोलो जो ओजोनाइड बना यहाँ पे, ये सॉल्यूशन में बना, उसमें आपने जिंक डस्ट डाल के साथ में वाटर डाल दिया, तो होगा क्या, ये ओजोनाइड एक यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक यहाँ से टूटेगा, बनेगा क्या, ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट, और जो ये वाला ऑक्सीजन है ये कौन ले जाएगा, ये जिंक ले जाएगा, क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड, ये जिंक डाला हुआ ना, और इससे क्या बनेगा, CHO। ओहो, वेट वेट वेट, इसका एक एच खा ही लिया मैंने, यहाँ पे CH2 है ना, तो यहाँ पे CH2। अब इसका क्या बनेगा, CH2O, हमें ये पता है एल्डिहाइड है, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, HCHO, या ऐसे HC डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या है, बन गया ना एल्डिहाइड। इसका बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, इसका भी बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। अब अगर आपका ये वाला एल्कीन होता तो इसमें भी सेम डबल बॉन्ड के अराउंड ही एडिशन होनी है, ओजोन को तोड़ दो तीन ऑक्सीजन में, एक दो तीन ऑक्सीजन, ठीक है, होगा क्या, ऐसे डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्ड बना उससे नीचे, और दूसरे वाले कार्बन के भी नीचे, तीन ऑक्सीजन ऐसे अरेंज कर दिए, ये हट बनाई, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटा, टूट गया, ये रहा आपका इंटरमीडिएट। ये वाला जो एल्कीन है वो ये वाला ओजोनाइड बनाएगा। बॉन्ड टूटना कहाँ से है, वाई बनाना है, ये वाला दो प्रोडक्ट
इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए ध्यान से सुन लो। दो प्रोडक्ट बनेंगे और ये ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? जिंक। इससे क्या बनेगा? CH3CHO, एल्डिहाइड बन गया। बॉन्डिंग कैसे होती है? बॉन्डिंग का तो आपको पता ही है ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इससे बना एल्डिहाइड। और इससे क्या बना? इससे भी एल्डिहाइड, बट कौन सा एल्डिहाइड? फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि ये CH2O है, मतलब HCHO है, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। ओके, तो ये आपके पास बना। दो तरह के प्रोडक्ट आए इसमें, तो एक तरह का प्रोडक्ट ही बना था ना, इसमें अब दो तरह के प्रोडक्ट बने हैं, दो तरह के एल्डिहाइड बने हैं। कौन कौन सा? एसिटाल्डिहाइड, इसका नेम क्या है, नेम भी लिख देते हैं ना, एसिटाल्डिहाइड। ओके, या इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम सॉरी बोल रहा हूँ, एसिटाल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम क्या है? इथेनॉल। ओके, और इसका नेम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट, अगर आपके पास ऐसा हो एल्कीन, तो इसके केस में देखें, ऑक्सीजन 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 हट बन गई, यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ दिया, ये बना आपका ओजोनाइड। इस ओजोनाइड में जिंक डस्ट डाल के इसकी रिडक्शन करवानी है। ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बन गया वाई। ये है आपका एक प्रोडक्ट, ये है आपका एक प्रोडक्ट, तो क्या बना? CH3CO CH3। ऑब्वियस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, कार्बन की वैलेंसी। ये बन गया आपके पास एक कीटोन और ये बन गया दूसरा कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O। दो कीटोन बन गए आपके पास और दोनों एक जैसे बने हैं, तो एसीटोन बना आपके पास। ये वाले कीटोन का नेम क्या होता है? एसीटोन। वॉट इट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ओके, लास्ट टाइप जो हमने पढ़ी थी फ्रॉम जेमिनल डायहैलाइड, इसका एक ही मेथड है। जेमिनल डायहैलाइड में क्या होता था, मैंने आपको बोला कार्बन, दोनों दो हैलोजन है, डायहैलाइड से क्लियर हो रहा है, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन के ऊपर है, जैसे ये भी है जेमिनल डायहैलाइड है ये, तो एक्वस केवज के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बड़ी बार पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोकेन्स में भी पढ़ लिया ये, प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में भी पढ़ लिया ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि यहाँ से OH नेगेटिव आयन निकलेगा, वो कार्बन के ऊपर अटैक करवाएगा, यहाँ से हैलाइड आयन बाहर निकाल देगा। बस इसमें फर्क क्या है, ये भी OH से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और इसकी भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, कार्बन के ऊपर दो OH लग जाएंगे क्योंकि ये डायहैलाइड था, तो दो OH लग गए। बट मैंने क्या बोला था, कार्बन के ऊपर जब दो OH लगे हों तो ये सिचुएशन स्टेबल वाली सिचुएशन नहीं होती, तो इस कार्बन को लगा रहता है कि कुछ ना कुछ करूं मैं, तो क्या करता है ये करता है इन दोनों अल्कोहल में से कलेक्टिवली दो ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल बना के निकाल देता है और एक ऑक्सीजन रखता है अपने पास। बस तो क्या बन जाएगा, एक ऑक्सीजन अगर रह जाएगा तो CH3CHO, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें क्या बना? एल्डिहाइड। बट अगर आपके पास इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन के बजाय, यहाँ पे हाइड्रोजन के बजाय दूसरा भी अल्काइल ग्रुप लगा होता, जरूरी नहीं CH3, कोई भी, जैसे मैंने एग्जांपल में तो यहाँ पे CH3 वाला ले लिया ना, कोई भी लगा हो सकता है, यहाँ पे CH2 CH3 भी लगा हो सकता है, बस मेन कंडीशन है ये जेमिनल डायहैलाइड चाहिए। ओके, एक्वस KOH डालोगे, OH लग जाएगा, नॉट स्टेबल, ये दोनों वाटर निकाल लेंगे, बचेगा क्या? सिर्फ दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन थे, वाटर के लिए दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकल गया, एक ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच जाएगा, तो क्या है ये? कीटोन। तो इससे कीटोन भी बन सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकता है जेमिनल डायहैलाइड से। ओके, अगर ट्राइहैलाइड्स होते, जैसे ये मैंने वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए डाला है, तो ट्राइहैलाइड्स को अगर एक्वस केवज से डालोगे तो तीनों हैलोजन OH से रिप्लेस हो जाएंगे, ये भी वैसे हम कर चुके हैं पहले, ये भी सिचुएशन अनस्टेबल होती है, और इसमें भी दो OH जो है वो मिलकर वाटर निकाल देते हैं, दो OH मिलके वाटर निकाल देते हैं और डबल बॉन्ड O ऐसे कर लेते हैं, R C डबल बॉन्ड O OH, तो ये कौन सा ग्रुप बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन में आपको ये वाला आएगा कि ट्राइहैलाइड से कैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, तो वहां पे अपने ये लगा देना है मेथड, सिंपल। तो दैट्स इट विद टुडेज लेक्चर।
ओके थैंक यू।